हेलो 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 गाइस, मेरी मेहनत और आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज हम लोग का 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। बहुत जल्दी हम लोग को डायमंड प्ले बटन भी मिल जाएगा और उसके बाद बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अरे ये क्या हुआ, कल ही तो मैंने देखा था कि मेरा 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया था। अरे यार लगता है सपना था। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। अरे यार सब्सक्राइब करो, थोड़ा जिंदगी रंगीन करो। तो फालतू बातों को रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट के कुछ 5 एपिक मोड्स बताने वाला हूं जो कि आपको खेल के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नंबर 1, एनिमे कैरेक्टर्स। अगर आप एनिमे के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो ये मोड खेल के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस मोड को खेलने के लिए आपको अपने एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले सब ऑन कर देना है और आपको अपने वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमे के कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। लड़का हो चाहे लड़की हो, अलग अलग 40 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं सब में एक कैरेक्टर हिडन है। अगर आपको वो मिल जाता है तो कांग्रेचुलेशंस, और अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ढूंढना जारी रखो, आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। और अगर आपको मिल गया तो कौन सा कैरेक्टर है नीचे कमेंट करना ना भूलें। और हाँ एक और चीज, इन सब कैरेक्टर्स को विलेजर्स की तरह सीधा समझने की कोशिश मत करना। ये लोग आपको कुछ करेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप इनको गलती से हिट कर देते हो तो उसके बाद अगल बगल जितने भी सारे कैरेक्टर्स होंगे सब मिलकर आपको मारेंगे, इसलिए इनको मारने की गलती तो करना ही मत। ये लोग नॉर्मली तो स्पॉन होंगे ही और आप इन लोग को क्रिएटिव में से भी स्पॉन कर सकते हो। नंबर 2, SCP डिस्टोपिया। इस मोड में आपको बहुत सारे छोटे बड़े छिपकली देखने को मिल जाएंगे। इस मोड में आपको ऐसे ऐसे NPC देखने को मिलेंगे जिनके हाथ में बहुत अच्छे अच्छे गन होते हैं और ये 3-4 बुलेट में किसी को भी मार सकते हैं। और इस मोड में अगर कोई भी NPC या कोई भी मॉब या कोई भी क्रिएचर मरता है तो कुछ इस टाइप से उसका डेड बॉडी नीचे गिर जाता है और पूरा खून निकलने लगता है। मजे की बात यह है कि इस मोड में आपको एक सफाई कर्मचारी भी देखने को मिलता है जो कि अगर कहीं भी डेड बॉडी या खून गिरा हुआ रहेगा तो उसको जाके ये साफ कर देगा। इस मोड को भी आपको खेलने के लिए अपने एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले का सभी ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। इस मोड में आपको कुछ ऐसे ऐसे एंटिटी और क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको एक हिट में मारने की पावर रखते हैं, इसलिए बिना नेदरराइट या डायमंड के आर्मर के उनके आसपास जाने का गलती मत करना। नंबर 3, मिथोलॉजी क्राफ्ट। इस मोड में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉब्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको एक हिट में ही खत्म कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये छोटा वाला जो मॉब है यही आपको नहीं मारेगा, ये आपको कुछ भी नहीं करेगा। और ये लोग जहां भी जाते हैं वहां पे अंधेरा नहीं होता है, वहां पे अपने आप ही रोशनी हो जाता है। इस मोड में आपको जगह जगह पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे जिन स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा OP लूट आपको मिलेगा। इस मोड का सबसे डेंजरस क्रिएचर है रॉक गोलम। एक तो ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बहुत गंदा डैमेज भी करता है। इस मोड में आपको कुछ इस टाइप का एक्स और इस टाइप का तलवार भी देखने को मिल जाएगा जो कि सामने वाले को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज करता है। और इस मोड को भी खेलने के लिए आपको अपना एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन करना पड़ेगा। नंबर 4, मिथिकल वर्ल्ड डार्क एज। ये मोड मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। इस मोड को जब आप एक्टिव कर लोगे तो आपका लोडिंग स्क्रीन कुछ इस टाइप का हो जाएगा और कुछ इस टाइप का म्यूजिक भी बजेगा। इस मोड में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के NPC देखने को मिल जाएंगे और ज्यादातर के हाथ में एक इस टाइप का जॉर्ड भी रहेगा। इनके आसपास जाने का हिम्मत मत करना, ये लोग आपको एक ही हिट में खत्म करने की पावर रखते हैं। इस मोड में आपको बहुत ही सारे अलग अलग टाइप के साउंड इफेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। जब आप किसी फॉरेस्ट में होगे तो कुछ इस टाइप का साउंड इफेक्ट भी आएगा, और जब आपको कोई हिट करेगा तो कुछ इस टाइप का साउंड इफेक्ट आएगा। इस मोड में आपको जितने भी सारे NPC या क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे सभी के सभी हॉस्टाइल होंगे। और इस मोड को खेलने के लिए आपको अपना एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले भी ऑन नहीं करना पड़ेगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक्सरे एड ऑन का डिमांड किया था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सरे एड ऑन का भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसको अपने गेम में एक्टिव कर लेने के बाद से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेटिंग में जाकर आपको स्मूथ लाइट्स ऑफ कर देना है और उसके बाद से एक नाइट विजन का पोर्शन पी लेना है और आप माइनक्राफ्ट में सारे के सारे ओर्स बहुत आराम से देख सकते हो। अगर ऐसे ही आपको कोई भी एड ऑन चाहिए या मोड चाहिए माइनक्राफ्ट का जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है और आपको वो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं 1-2 दिन में वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।